यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र शर्जील इमाम के CA NRC पर दिए भाषण को लेकर बहुत विवाद खड़ा हुआ था, जिस पर पुलिस द्वारा शर्जील इमाम की गिरफ्तारी हुई थी, जिस पर शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शर्जील इमाम को जमानत दे दी, जिसका विस्तृत आदेश अब आया है। इस आदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने देशद्रोह के मामले में शर्जील को जमानत देते हुए कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शर्जील इमाम के भाषण में ना तो किसी को हथियार उठाने का आह्वान किया गया और ना ही उसके भाषण से कोई हिंसा भड़की। इस पर न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह ने शनिवार को इमाम को जमानत दे दी, जिन पर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 124A, 153A, 153B और 505 के तहत मामला दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि इससे पहले भी CA NRC के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जेल में बंद JNU छात्र शर्जील इमाम की जमानत याचिका अदालत में दायर की गई थी, जिसे दिल्ली की साकेत कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिस पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जाँच के बाद शर्जील को जमानत दे दी है। देशद्रोह और अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपी JNU छात्र शर्जील इमाम ने कहा था कि वह कोई आतंकी नहीं है और उसके खिलाफ मुकदमा स्थापित कानून के अनुरूप नहीं है, बल्कि किसी सम्राट के चाबुक की तरह है। यह तर्क शर्जील ने मामले में जमानत देने और आरोप मुक्त किए जाने की मांग करते हुए रखा था। दिल्ली पुलिस ने शर्जील इमाम को CA NRC के विरोध के दौरान कथित भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया था। आरोप था कि उसने 2019 में अपने भाषणों में कथित रूप से असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों को देश से अलग करने की धमकी दी थी। ये कथित भाषण उसने जामिया में 13 दिसंबर 2019 और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 16 दिसंबर 2019 को दिए थे। वह जनवरी 2020 से न्यायिक हिरासत में है।